मेरे व्यूवर्स कमाल के हैं कसम से कमाल के हैं तो ऐसा हमारे यहाँ बॉन्ड है मतलब मेरे व्यूवर्स मेरे सब्सक्राइबर्स इस फैमिली में ऐसा बॉन्ड है कि लोग मुझसे ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जिसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है सागर भाई मेरी गर्लफ्रेंड तीन दिन से बात नहीं कर रही मैं क्या करूँ सागर भाई मेरा लैपटॉप मैंने कल रात को तो ऑफ़ किया था अभी ऑन ही नहीं हो रहा आ, सागर भाई ये बात बताओ कि ये इंसान इतने घमंडी क्यों होते हैं <laughs> इस तरह के सवाल है दैट मीन्स वो मुझसे कनेक्ट करते हैं मुझे एक फैमिली का मेम्बर मानते हैं हालांकि मैं सारे सवालों के जवाब तो दे नहीं पाता हूँ बिकॉज मैंने ये टेक चैनल शुरू किया टेक के उसके लिए और बाकी जगह पर जवाब दे पाता हूँ तो देता हूँ मैं तो काफ़ी कनेक्शन है मेरा तो अभी मेरे पास एक सवाल आया कि सागर भाई टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है क्या टेक्नोलॉजी ऐसी हो सकती है कि जुम्मन जैसा गेम बन सके जिन लोगों को नहीं पता जुमान एक त, एक मूवी सीरीज है मतलब टेलीविजन शो तो नहीं है मूवी सीरीज़ है जो कि बहुत पहले निकला था अभी वो बहुत पॉपुलर हुआ है क्योंकि द रॉक ड्वेन जॉनसन जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू सुपर स्टार है और वो हॉलीवुड की मूवीज में भी काम करते हैं तो इस मूवी में आए हैं जहां पर एक गेम दिखाया गया है जिसको अगर आप खेलते हैं तो आप उस गेम में चले जाते हैं और आप ऐसी एक दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर एक अलग अलग कैरेक्टर आपको असाइन किया जाता है जैसे वीडियो गेम में होता है मल्टीप्लेयर गेम आप खेलते हो तो आप उस कैरेक्टर के भी हाथ पे खेल रहे होते हो तो वहां पर वो कैरेक्टर इंसान वो खुद ही बन जाता है और वो गेम में घुस के एक अलग दुनिया में चला जाता है जहां पर उसको टास्क दिया जाता है ये आम दुनिया से अलग दुनिया होती है और यहाँ के लोग जानवर सभी अलग होते हैं क्या ये असल जिंदगी में हो सकता है मैं आपको बता दूं कि हमारी अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो इस चीज को काफी हद तक अचीव कर चुकी है आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ऐसा हो सकता है जी हाँ ऐसा हो सकता है अब वो कैसे हो सकता है मैं आपको बताऊंगा आपको पता है कि जो वी आर हेडसेट होते हैं अगर वो बुजुर्ग लोगों को पहना दिया जाए जिन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में इतना पता नहीं है जैसे कि 70-80 साल या 90 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको अगर वो वी आर हेडसेट पहना दिया जाए जिनको पता भी नहीं है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट भी करती है तो उन लोगों को तो यही लगेगा कि वो उस दुनिया में सही में हैं और ऐसे कई केसेस हुए हैं कि बुजुर्ग लोगों ने वी हेडसेट पहन लिया उनके बच्चों ने प्रैंक करने के लिए उन्हें पहनाया

इंसानी दिमाग को ऐसा ट्रिक किया जा सकता है कि वो जिस जगह पर खड़ा है वो वो जगह नहीं कोई और जगह है जैसे कि अगर आप किसी गार्डन में खड़े होते हैं तो आप क्या चीज नोटिस करते हैं हमारे क्या क्या सेंसेस काम करते हैं पहला सेंस जो हमारा काम करता है वो है आंखें हम देखते हैं गार्डन में हरियाली है पेड़ पौधे हैं राइट क्या इस चीज को कृत्रिम रूप से टेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है दे यू गो वी आर दूसरी चीज जो हम नोटिस करते हैं वो स्मेल क्या कृत्रिम रूप से किसी जगह पर कोई स्मेल दी जा सकती है बिल्कुल दी जा सकती है जो अगली चीज जो सेंस हमारे काम करते हैं वो है टच और हीट सेंसिंग तो क्या कि किसी जगह के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है बिल्कुल किया जा सकता है टच जी हां इसको भी किया जा सकता है तो और इंसानी दिमाग के साथ काफी हद तक खिलवाड़ किया जा सकता है तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है जहां पर इंसान खड़ा हो उसे वो पता ना हो कि वो कहां खड़ा हो और जो उसे दिखाना चाहते हैं उसे वही लगे कि वो वहां खड़ा है हालांकि इतना बड़ा गेम इतनी रनिंग दौड़ा ये सब नहीं हो सकता लेकिन काफी हद तक एक कंट्रोल एनवायरमेंट में इंसानी दिमाग को ट्रिक किया जा सकता है जिससे वो ये समझ लेगा कि वो कहीं और खड़ा है उस लेवल तक नहीं हो सकता कि गेम खेले कोई पूरी दुनिया ही अलग बन जाए लेकिन काफी हद तक एक रूम के हद तक इसको बनाया जा सकता है और इंसानी दिमाग को ट्रिक किया जा सकता है तो जुमान जी जैसे गेम कुछ लेवल तक अभी बन सकता है आगे फ्यूचर में ऐसी चीज रियलिटी होगी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है स्मार्टफोन गायब हो जाएंगे मैं आपको बता दूं स्मार्टफोन गायब हो जाएंगे सारे होलोग्राफिक प्रोजेक्शन होंगे और सारी चीजें होंगी और स्मार्टफोन जैसी कोई चीज ही नहीं होगी ये सिर्फ ब्रेन में लगा दिया जाएगा या कोई चिप इंप्लांट कर दिया जाएगी ऐसी कोई भी चीज हो जाएगी या कोई ऐसा ब्रेसलेट बना दिया जाएगा जो लाइव प्रोजेक्ट करेगा और पूरा हाथ आपका स्मार्टफोन बन जाएगा आप टच करके या दिमाग से उसको कंट्रोल कर सकते हैं टच स्क्रीन जैसी कोई चीज भी ना हो क्या पता कुछ भी हो सकता है टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इवॉल्व कर रही है और मैंने आपको बता दिया कि जुमान जी जैसी चीज असल में हो सकती है ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जिनको मिक्स कर दिया जाए तो एकदम रियलिटी जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है जी हाँ ऐसा हो सकता है हंसने वाले लोग हंसेंगे इस पर बट मेरा मानना है कि ऐसा हो सकता है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो मैंने आपको बता दिया कि जुमान जी असलियत में हो सकता है या नहीं उस लेवल पर नहीं लेकिन हो सकता है साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें टू नाइनटी के तीन इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे आप एक इथिकल हैकर बन सकते हैं उसको जरूर चेक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ये बिल्कुल फ्री है इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको और मेरे आप और नजदीक आना चाहते हैं और करीब आना चाहते हैं मेरे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में थैंक यू सो मच एंड गुड बाय